बड़ी खबर हरियाणा के पानीपत से है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हादसे के वजहों का पता नहीं चल पाया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौजूद हैं। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, पानीपत में फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हालांकि यह आग किस वजह से लगी है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन किस तरीके से धुएं का गुबार उठा है आप इन तस्वीरों के जरिए देखें। भीषण आग फैक्ट्री से उठ रही है, ऊंची ऊंची लपटे नजर आते हैं यहाँ पर। फायर ब्रिगेड की कई टीम मौके पर मौजूद है। आग लगने के वजहों का पता नहीं है, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। पानीपत हरियाणा में किस तरीके से अग्नि तांडव देखने को मिला है और आप इसकी भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगाइए, क्योंकि दूर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही हैं। हालांकि आग किस कारण से लगी है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। क्या शॉर्ट सर्किट या फिर कोई अन्य वजह, इसको लेकर पहले जांच के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन वहां पर भगदड़ की स्थिति एक तरीके से बन गई। ये पानीपत से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पर मौजूद है, कई गाड़ियां वहां पर पहुंची है और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए ये पहली कोशिश है। आप इन तस्वीरों में देखें कि धुएं का गुबार किस तरीके से यहाँ पर उठता हुआ। पानीपत हरियाणा की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और अग्नि तांडव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री बताई जा रही है जहाँ पर ये भीषण आग लगी है। आसपास के तमाम लोगों का जमावड़ा एक तरीके से यहाँ पर लग गया है, क्योंकि जैसे ही घटना घटी वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग वहाँ पर पहुँचे। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, जो समझ में आ रहा है वो ये कि आसपास भी कई सारी बिल्डिंग्स हैं और अमूमन ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जब आग एक बिल्डिंग में लगती है तो वो बहुत जल्द ही दूसरी बिल्डिंग को, दूसरी इमारत को अपनी जद में ले लेती है। इसी वजह से वहाँ पर एक बड़ी चुनौती टीम के सामने इस तरीके से है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, ताकि ये अपनी आगोश में किसी दूसरी इमारत को ना ले ले, किसी दूसरी बिल्डिंग को ना ले ले। इसी वजह से बड़ी तादाद में वहाँ पर देख सकते हैं आप जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटाया भी गया है, उनको साइड भी कराया गया है, ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। पानीपत से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप इन तस्वीरों के ज़रिए वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। धुएं का गुबार यहाँ पर उठता हुआ नज़र आ रहा है। आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया। प्रदीप कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आप प्रदीप, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है, क्या आग पर अभी तक काबू पाया गया? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आग पर अभी किसी प्रकार का कोई काबू नहीं पाया गया, क्योंकि आग काफी भयंकर है, मगर दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर आग पर काबू करने की कोशिश कर रही है। और जो मैं आपको बता दूं कि जो आग है वो तकरीबन सुबह 7 बजे के आसपास लगी है, और किस कारणवश लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिर भी जो दमकल विभाग के कर्मचारी है आग पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो फैक्ट्री है कृष्णा कृष्ण बुलटक के नाम से फैक्ट्री है और दरी की फैक्ट्री बताई जा रही है। लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है जब ये पूरी घटना घटी है और अभी तक वहां पर टीम को सफलता नहीं मिली है, जैसा कि प्रदीप बता रहे हैं। प्रदीप, क्या अभी तक नुकसान का आंकलन या फिर ये पता चल पाया कि आग किस वजह से लगी है? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि अभी ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि किस कारणवश आग लगी है और क्या कुछ नुकसान हुआ है। जब हमने मालिक से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने फिलहाल अभी बात करने से इनकार कर दिया है और फिलहाल जान की तो कोई हानि नहीं है, मगर जो नुकसान है वो काफी ज्यादा बताया जा रहा है। ये राहत की बात है कि कोई जान हानि नहीं हुई है, जैसे कि प्रदीप आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप, जो तस्वीरों से समझ में आ रहा है वो ये कि कई सारी इमारत वहाँ पर और भी, और अगर आग इसी तरीके से फैलती रही तो कई सारी इमारत को अपनी जद में ये ले सकती है, जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं। हाँ जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये एरिया है ये एक कॉलोनी है जिसका नाम देशराज कॉलोनी है, पानीपत के देवमंदर रोड पर स्थित है। जो आसपास के जो मकान काफी ज्यादा सटे हुए है, दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी ज्यादा समस्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, मगर फिर भी अभी वो कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की। और जहां ठीक है, सवाल ये भी है कि क्या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उसको यहाँ पर फॉलो किया गया था, उसका पालन यहाँ पर किया गया था या फिर नहीं।